गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। दोस्तों, क्या आप ही घी खाने से डरते हो? आई नो सबको लगता है घी, विच इज ऑल्सो नोन एज क्लैरिफाइड बटर, इज फुल ऑफ फैट्स। घी खाने से आपके शरीर में और ज्यादा फैट्स यानी चर्बी जमा हो जाएगी, जिससे आपका वेट लॉस होने की जगह वेट गेन हो जाएगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। आज का वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप रोज घी खाना शुरू करोगे। आज मैं आपको बताऊंगी घी कैसे आपके वेट लॉस के लिए और डायबिटीज कंट्रोल के लिए मदद करता है। घी आपके वेट लॉस जर्नी का दुश्मन नहीं तो साथी है। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस माय न्यू वीडियोस। दोस्तों, जरूर घी एक फैट रिच फूड फैमिली का ही एक भाग है, लेकिन घी को हेल्दी एंड गुड फैट कहते हैं। इवन आयुर्वेद में भी घी के बारे में लिखा है। पंचकर्म से लेकर बहुत सारे आयुर्वेदिक उपायों में घी का उपयोग होता है, लेकिन कई लोगों को इस सुनहरे रंग वाले पदार्थ के बारे में गलत फहमी है। अब मैं एक एक करके घी आपके शरीर के लिए हेल्दी और उपयोगी कैसे है इसके बारे में बताऊंगी, जिसमें से एक फायदा आपके मोटापे या वेट लॉस को लेकर भी है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जिस घी की हम बात कर रहे हैं वो घर पर गाय के दूध से बना हुआ घी है, बिकॉज घर पर बने हुए घी में 100% कोई भी मिलावट नहीं होती, वो प्योर होता है। वजन कम करने के लिए घी कैसे उपयोगी है ये बताने से पहले आपको मैं ट्रेडिशनल वे में घी कैसे बनाते हैं इसके बारे में ब्रीफली बताती हूँ। घी बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया गाय के फुल फैट मिल्क से बने हुए दही यानी योगर्ट से होती है। इस दही को मथानी यानी बटर मेकर चर्न से बिना रुके कुछ देर के लिए घुमाने के बाद बटर और बटर मिल्क अलग होता है। फिर उस बटर यानी मक्खन को धीमी आंच पर थोड़ी देर रखने के बाद उसमें से पानी की बाफ हो जाती है और मिल्क सॉलिड बर्तन के नीचे सेटल होता है। फिर चीज क्लॉथ यानी फिल्टर से छानने के बाद जो भी निकलता है उसे हम घी यानी क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। घी का सबसे बड़ा फायदा आपके लिए वेट लॉस यानी वजन कम करने के लिए होता है। इवन घी से आपके पेट की चर्बी भी कम होती है। आई नो यू आर शॉक्ड बट इट्स ट्रू। सबको पता है कि प्रॉपर डाइजेशन वेट लॉस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपका डाइजेशन ठीक हो तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होकर आपको वेट लॉस में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे वेजिटेबल्स और कुकिंग ऑयल आपके डाइजेशन को स्लो करते हैं, लेकिन घर पर बना हुआ देसी घी का फैट आपके डाइजेशन सिस्टम को स्टिमुलेट करके उसे बेहतर बनाता है, जिससे आपको वेट लॉस में मदद मिलती है। आपको घी से ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मिलता है, जिसे कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड यानी CLA कहा जाता है। CLA आपके लीन बॉडी मास को बढ़ाकर एक्स्ट्रा चर्बी और वजन को कम करता है। ऑल्सो घी में एमिनो एसिड भी होता है, वो भी आपका फैट कम करके वेट लॉस करता है। घी की वजह से ही आपका शरीर फैट्स को एनर्जी के लिए जलाता है। वेट लॉस के साथ घी के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इवन घी के सेवन से आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रह सकता है। डायबिटीज के लोगों को उनके खाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। कुछ उल्टा पुल्टा खाने से उनके ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। डायबिटीज में घी एक मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। घी से मिलने वाले फैटी एसिड से आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद होती है। इवन राइस के साथ सही मात्रा में घी लेने से राइस से मिलने वाली शुगर इफेक्टिवली डाइजेस्ट होती है। एक्चुअली हाई कार्ब फूड्स लाइक राइस, व्हाइट ब्रेड, पराठे में घी मिलाने से उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होके डायबिटीज वाले लोगों को शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है। मीडियम चेन फैटी एसिड्स की वजह से आपका लीवर डायरेक्टली घी को एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाले एनर्जी से बहुत अच्छी और हेल्दी होती है। देसी घी बॉडी डिटॉक्स में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लिपोफिलिक इफेक्ट के कारण घी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। लिपोफिलिक इफेक्ट यानी आपकी बॉडी के अनहेल्दी फैट्स दूसरे फैट्स यानी घी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें अनहेल्दी फैट्स के साथ सॉल्युबल टॉक्सिन्स भी आते हैं, जो घी की वजह से आपके इंटेस्टाइन से पास होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं। देसी घी के सेवन से आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसी कारण से योगा या एक्रोबैटिक करने वाले लोगों ने घी खाना चाहिए। दोस्तों, इन्फ्लेमेशन बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज है, जिसमें फिर अल्जाइमर हो या कुछ टाइप्स के कैंसर हो या हाई कोलेस्ट्रॉल या अर्थराइटिस और अस्थमा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। घी में भारी मात्रा में ब्यूटिरिक एसिड होता है, जो एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। आपका शरीर वास्तव में फाइबर को ब्यूटिरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब घी खाने से आपके शरीर का काम आसान हो जाता है।
ब्यूटेरिक एसिड की वजह से आपके डाइजेशन सिस्टम या बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता और आपका पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। घी से मिलने वाले पोषक तत्व बड़ों से लेकर बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार घी आपके ब्रेन के लिए अच्छा होता है, इससे दिमाग तेज बनता है और देसी घी मेमोरी को बढ़ाता है। घी वास्तव में शरीर के लिए उपयोगी और आवश्यक इसे विटामिन ए डी ई और के का बड़ा सप्लाई सोर्स है। विटामिन ए से आपके आंखों की रोशनी तेज और त्वचा मॉइस्ट रहती है। विटामिन डी थकान और हड्डियों के दर्द को दूर रखता है। विटामिन ई हार्ट के स्वास्थ्य और स्किन के लिए आवश्यक है और विटामिन के आपको हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। देखें तो घी से मिलने वाले फायदे तो बहुत ज्यादा है और इससे आपका वजन भी कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बस घी का ही सेवन करते रहे। एक बात याद रखिए, ज्यादा घी का सेवन आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। रीजन इज घी में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैट्स। आप दिन में 2 टीस्पून से ज्यादा घी मत खाइए। एज पर आयुर्वेद 1 ग्लास गर्म पानी में या 1 कप गर्म दूध में 1 टीस्पून घी का सेवन आपकी सेहत के लिए बहुत गुणकारी हो सकता है। इवन आप खाने के साथ 1 टीस्पून घी लिया कीजिए, वो खाने को इजीली डाइजेस्टेबल बनाता है। और एक बात, जो लोग डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी का एफर्टलेस वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्रिंसिपली घी से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता। बस इतना याद रखिए, घी घर पर गाय के दूध से बना हुआ 100% प्योर होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये जानकारी दोस्तों को देने के लिए वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिए। ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए फिट स्टैंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।